हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी फाइनेंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना सिखाने वाला हूँ। ये कार्ड हमारा स्पेशल पर्सन के लिए होगा, जैसे मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, टीचर्स, चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैडम या और भी कोई हो सकता है। इसके लिए ये कार्ड का विशेष प्रकार का होगा, ये अट्रैक्टिव कार्ड होगा। और इस कार्ड में मैं कुछ वेस्ट मटेरियल और मल्टी कलर फ्लावर्स यूज़ करने वाला हूँ। वेस्ट मटेरियल मीन्स जैसे कोई हम लीव्स बनाते हैं, लीव्स की साइड से कुछ कटिंग जो निकलती है उसको हम फेंकते नहीं हैं, वो हमारा वेस्ट मटेरियल कुछ इस तरीके का रहता है। ये जैसे कोई हम लीव्स बनाते हैं फ्लावर्स की, तो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट इसका ये बच जाता है, तो उसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद ये इस तरीके का मैंने इसमें पेस्टिंग की हुई है, ये कुछ मैंने इस तरीके से बंच बना लिया है इनसे पेस्ट कर कर। तो ये हमारे डिजाइन में घास का काम कर सकती है। तो हम वेस्ट जो क्राफ्ट में जो वेस्ट मटेरियल होता है फेंकते नहीं है, उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, कहीं ना कहीं काम आ सकता है। आज मैं आपको अपने कार्ड में यही दिखाने वाला हूँ कि मैंने वेस्ट चीज़ों को कैसे अपने कार्ड में इंक्लूड किया है, और मल्टी कलर के जो फ्लावर हैं उनको हमने कैसे यूज़ किया है, प्लस पंचिंग मटीरियल जो होती है कटिंग के लिए काम आती है वो हमने कहाँ यूज़ किए हैं, किस तरीके से किए हैं। आइए हम देखते हैं और सीखते हैं इस कार्ड के बारे में। इस कार्ड में क्या है, देखिए ये हमने बताया था आपको कि ये मल्टीपर्पज़ होता है। अगर आपको बर्थडे के लिए कार्ड देना है तो यहाँ लिख दीजिए हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी देना है तो हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं। मतलब जिस ओकेजन के लिए आप कार्ड बना रहे हैं ये वाला, उस चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखने के बाद हम दे सकते हैं। और अच्छा, अब ये कार्ड के अंदर एक रिटर्न मैटर भी होता है। अब रिटर्न मैटर कहाँ आएगा, कार्ड का रिटर्न मैटर हमारा आने वाला है। इस कार्ड को ओपन कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से कार्ड हमारा आने वाला है। और ये वाइट बैग वाइट स्पेस जो है इस जगह हमारा रिटर्न मैटर आएगा, और इस कार्ड को जैसे ही हम इसको न करते हैं तो ये अपने आप ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, मैं अब पता बात करता हूँ वेस्ट मटेरियल की। हमारा वेस्ट, हमने इसमें वेस्ट कैसे यूज़ किया है। सबसे पहले वेस्ट ये मैंने आपको दिखाई थी, जैसे ये वाले फ्लावर रखे हुए हैं हमारे, ये वाले फ्लावर जो फ्लावर है इसकी जो मैंने लीव्स बनाई थी, लीव्स में कटिंग निकली थी, कटिंग मतलब जो मैंने बताया था उसको मैंने उसके बंच बनाए, और बंच बनाने के बाद लीव्स लगाए, आपने देखा है इसमें। और ये जो वेस्ट पेपर होते हैं मैंने लीव्स वगैरह मैंने जैसे बनाई कटिंग करके रखी हुई, अब जितनी इसमें यूज़ हो रही थी उतनी मैंने यूज़ कर लिया, बची है ये वेस्ट हो गई, और मैं इनको उठा के अलग रखूँगा, नेक्स्ट मेरे कार्ड में हो गई है। अब आ जाती है ये वाला वाइट पार्ट, वाइट पेपर जब हमने इस वाले वाइट पेपर को कटिंग की थी तो उसके साइड से हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकला था, तो उसको हमने और इसमें वाइट के लिए मैं हमने
पंचिंग मशीन की तरह सहायता से ये बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर बनाने के बाद ऐसे ही हमारा ऑरेंज कलर के पेपर में जो कटिंग निकली थी वो हमने यहाँ कटिंग करके ये बनाया। इस तरीके से हमारा ये कार्ड कम्प्लीट होता है और ये हमारा कार्ड कम्प्लीट। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। और मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ नए यूनिक कार्ड्स वगैरह लेके आऊँगा। वैसे फ्रेंड, ये सब कार्ड यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उन कार्ड्स को कुछ मोडिफाई कर अपने अकॉर्डिंग उनको किस तरीके से मैं बना सकता हूँ और किस तरीके से और अच्छे से मैं कर सकता हूँ, तो मैं उनको करने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीक क्राफ्ट क्लास में आपको दो कार्डों के बारे में बताया और दोनों कार्डों में मेरी पंचिंग मशीन यूज़ की गई थी। और मैं आपको बता दूँगा दूसरा कार्ड जो मेरा है, ये दो कार्ड बनाए, ये दोनों कार्डों में दोनों पंचिंग मशीन की कटिंग से यूज़ किए हैं। इसमें मैंने कटिंग यहाँ पे यूज़ की है वाली और इसमें मैंने कटिंग ऊपर यूज़ की है। इसी तरीके से आप पंचिंग मशीन की सहायता से काफ़ी कुछ कटिंग कर अपने कार्ड बना सकते हैं। कार्ड बनाने के बाद